हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये फ्लाइंग शीट्स कॉन्सेप्ट वाली फ़ोटो एडिटिंग करेंगे। इसके लिए हम अपने पिक्सआर्ट ऐप को ओपन करेंगे और अपना जो बैकग्राउंड का लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसे डाउनलोड कर लीजिएगा और उसे हम ओपन कर लेंगे। फ्रेंड्स, सभी फ़ोटोज़ और वीडियोस का जो भी इसमें फ़ोटो चाहिए, बैकग्राउंड और पीएनजी, इनका सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लें। इसके बाद हम ऐड फोटो पर क्लिक करेंगे और अपने जो मॉडल की फ़ोटो है जिसे हमें बैकग्राउंड रिमूव करके रखा है, इसे हम एडजस्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको बैकग्राउंड रिमूविंग नहीं आती है तो बेस्ट ट्रिक की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर उसे देख लीजिए। ये मेरे मॉडल की थोड़ी डार्क है, इसलिए हम इसकी ब्राइटनेस को थोड़ा बढ़ा लेंगे एडजस्ट पर जाके, हाईलाइट्स को कम, शेडोज़ को भी बढ़ाएंगे प्लस 50 या 60 के आसपास करके, और हाइलाइट्स को मैं कर दूँगा कम, -30 के आसपास, और इसे डन करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है सेटिंग आप भी कॉपी करें, ये मेरे मोड की पिक के ऊपर है, इसीलिए मैंने इसे ऐसे किया है। इसके बाद हम ऐड फोटो पर क्लिक करके एक्स्ट्रा इमेजेस ऐड करेंगे, इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें हम 4 PNGs को ऐड करेंगे जो ब्लर नहीं है, और इन्हें हम एडजस्ट कर देंगे ऊपर नीचे, एक को इस कॉर्नर में, एक को यहाँ पे। इसे मैं इस मॉडल के पीछे करूँगा, जैसे पीछे भी कुछ शीट्स गिर रही हैं, और इसकी लेयर को सिलेक्ट करके हम मूव टू डाउन कर देंगे, जिससे इसके मॉडल के पीछे चली जाएगी। और इस एक लास्ट है, इसे यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। इसके बाद हम फिर से ऐड फोटो क्लिक करेंगे और बाकी जो 2 PNG बचे हुए हैं जो ब्लर हैं उन्हें हम ऐड करेंगे। और एक को हम ऊपर कॉर्नर में यहाँ पे, और दूसरे को हम नीचे इस जगह एडजस्ट कर देंगे और इसे यहाँ से डन कर देंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसानी से हमारा पिक्सआर्ट ऐप का पूरा काम हो चुका है। अब हम ड्रॉ टूल में जाएंगे और फोटो कर लेंगे सेव, थ्री डॉट्स क्लिक करके सेव इमेज भी क्लिक करके सेव कर लेंगे। इसके बाद हमारा काम लाइट रूम का है, तो हम लाइट रूम ऐप को ओपन कर लेते हैं। लाइट रूम में ऐड फोटो क्लिक करके इस फोटो को ऐड कर लेंगे और इसकी कुछ सेटिंग्स को चेंज करेंगे। फ्रेंड्स, इसका जो प्रीसेट होगा उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से कॉपी करके इसी को सेटिंग्स को कॉपी भी कर सकते हैं। इसकी एक्सपोजर को हम बढ़ा देंगे लाइट्स में जाके, शेडोज़ को भी 29 के आसपास बढ़ाएंगे और ब्लैक्स को कर देंगे कम, 40 के आसपास, हाईलाइट्स को -24, कॉन्ट्रास्ट को हम हल्का सा बढ़ाएंगे जैसे 10-11 के आसपास। इसके बाद जाएंगे कलर में और मिक्स में जाके ऑरेंज कलर की सेचुरेशन को कर देंगे हम माइनस में, जिससे हमारी कलर टोन अच्छा होगा और लुमिनेंस को बढ़ाते हैं, हमारी स्किन ब्राइट होगी। इसके बाद येलो कलर की सेचुरेशन को घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, वो आपके इस पर डिपेंड करता है आपको कैसा टोन चाहिए। इसके बाद हम जाएंगे टेक्स्ट में और टेक्सचर को थोड़ा हल्का, बिल्कुल हल्का बढ़ाएंगे, ब्रिनेट को -10 के आसपास कर देंगे। डिटेल्स में जाके शार्पनिंग ऐड करेंगे, नॉइस रिडक्शन करेंगे हम 25, और कलर नॉइस रिडक्शन को कर देंगे 20 के आसपास या 25 के आसपास। एंड इसमें मुझे लग रहा है येलो कलर की हमें थोड़ा चेंज करना होगा, तो हम कलर्स में फिर से जाएंगे, मिक्स में जाके येलो कलर की सेचुरेशन कर देंगे हम +35 के आसपास, और व्यू कर देंगे -74 के आसपास। इस तरह हमारे फोटो का लाइट रूम का काम भी हो गया डन। अब हम इसे सेव कर लेंगे। फ्रेंड्स, सभी चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं।